दगन ब्लास्टर्स के ज़ेर-ए-तमाम 49वां जॉब मेला रेडोज पैलेस रूबरू बाग़-ए-आमन अम्पली हैदराबाद में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मुनक़िद हुआ, जिसमें हजारों बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें मिली। इस जॉब मेले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान के अलावा समाजी कारकुनान ने शिरकत की। हैदराबाद चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर इंजीनियर मन्नान खान ने बताया कि 70 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदे इस जॉब मेले में शरीक हुए और बेरोजगार नौजवानों को जॉब ऑफर लेटर हवाले किए। इंजीनियर मन्नान खान ने कहा कि अभी तक 49 जॉब मेले मुनक़िद हुए हैं, जिसमें 5000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया है। जॉब मेला बिला लिहाज मजहब जात कौम सबके लिए था। आईटी, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फूड एंड पार्सल डिलीवरी, स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल स्टाफ इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स और दीगर शोबेजात में बासलाहियत नौजवानों की तकरियां हुई। इस मौके पर मन्नान खान ने कहा कि जॉब मेला मुनक़िद करने के मकसद ये है कि जराइम खत्म करना है और नौजवानों को रोजगार की तरफ मायल करना है ताकि जराइम से वो दूर रह सके। चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान ने इस मौके पर कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का बड़ा बेड़ा उठाया गया है, हमें उसकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे नौजवानों को इनामात से नवाजा जाना चाहिए और हुकूमत की जानिब से ऐसे नौजवानों की मदद की जाएगी। को अपने कवरेज से सपोर्ट किया है, हिम्मत अफजाई दी है। आज यहाँ पर 49 जॉब मेला मुकम्मल हुआ है, जिसका भरपूर सपोर्ट आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट सैयद इरफानुद्दीन साहब के हाथों यहाँ पर इनॉग्रेशन भी हुआ है। एसोसिएट पार्टनर रोजगार कार्ड है और इवेंट पार्टनर वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल, टॉप सेलेक्शन, हैदरी कंस्ट्रक्शन, एमएमआर जो मोहम्मद सैफुल्लाह खान साहब का, अच्छा ड्यूटी पे जाएंगे, काम कर लेंगे, एक से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि महीने में 2-3 करना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान साहब के हाथों आज के चीफ गेस्ट जनाब मसीउल्लाह खान साहब तशरीफ़ भी लाने वाले हैं, जो तेलंगाना